हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को मछली के अंडे का पकौड़ी बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैं मार्केट से मछली का अंडा लाई हूँ, इसे मैं अच्छे से धो लूँगी पानी डालकर। इस तरीके से एक बर्तन में पानी डालकर हमें अच्छे से धो लेना है। ये मैं अच्छे से धोकर इसे निकाल ली एक बर्तन में और इसे इस तरीके से तोड़ ले रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वाद अनुसार नमक ली हूँ, ये हल्दी पाउडर और ये बेसन एक छोटा कटोरी, ये गोलकी पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर, ये आधी लहसुन मिर्चा ली हूँ, इसे मैं पेस्ट बना लूँगी, और ये धनिया पाउडर, ये मिक्स मसाला पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर ली हूँ मैं। ये मैं आधी लहसुन मिर्चा को पेस्ट बना दी और ये मैं मछली का अंडा जो मैं तोड़ कर रखी थी उसमें सभी मसाले को डाल दूंगी। इस तरीके से हमें सभी मसाले को एक एक करके डाल लेना है। आइए, मैं बेसन को भी डाल दी, आधी लहसुन मिर्चा का पेस्ट इसे भी डाल दी और सभी को मैं अच्छे से मिला दूंगी। इस तरीके से मैं मिला दी और इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। ये 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें हरा मिर्चा कटा हुआ, धनिया पत्ता कटा हुआ और ये बारीक कटा हुआ प्याज को डाल दी, इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। कढ़ाई को हमें गर्म कर लेना है और इसमें सरसों तेल डाल देना है, तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से मैं पकौड़ी बना लूँगी। ये देखिए फैन, इस तरीके से हमें छोटा छोटा पकौड़ी की तरह डाल देना है तेल में। इसे मैं अच्छे से दोनों साइड से पका लूँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पकौड़ी, बनाना भी बहुत आसान है। आप लोग भी एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैं अच्छे से पकौड़ी को पका ली हूँ। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं सभी पकौड़ी को बना लूँगी। ये मैं प्लेट में इस तरीके से सर्व कर ली।